गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 37th। ये रहा 37th, डेट है 29th सितंबर 2020 और ये रहा 9th क्लास की इंग्लिश की। तो स्टूडेंट्स, आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा, यहाँ पर टीचर का नाम। तो आज का हमारा क्या है, लिटरेचर रीकैप, मतलब हम रीकैप करेंगे जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्या गिवन है, आपको ये फिल करना है, बॉक्सेस गिवन है, इसको आपको फिल करना है अक्रॉस और डाउन। तो चलिए इसको करते हैं अब। फिल इन द क्रॉसवर्ड, आपको क्या करना है, क्रॉसवर्ड फिल करने हैं ऑन द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एग्जांपल नाइन्थ एग्जांपल देखते हैं। नाइन्थ का ये रहा, ऑथर्स grandfather bought a baby monkey from a dash driver for 5 rupees। तो ये आपने पढ़ा था ना, तो इसका आंसर आ जाएगा टोंगा। तो ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है वर्कशीट में, इसी तरह आपको ये सारे करने हैं। तो नाइन्थ का आंसर आ जाएगा टोंगा। तो आपको इधर नाइन्थ है, नाइन्थ को कैसे फिल करना है, एक्रोस ये दे रखा है ना, एक्रोस मतलब स्ट्रेट में। तो ये रहा है ना, ये मिल गया ना नाइन्थ। तो फर्स्ट बॉक्स में TONGA इधर आ गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, तो टोंगा। इसी तरह आपको सारे ये करने हैं। तो फर्स्ट चलिए हम इसको करते हैं। फर्स्ट हमारा है एक्रोस, मतलब स्ट्रेट लाइन में हमें क्रॉसवर्ड फिल करने हैं। और डाउन इधर है, डाउन मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट है हमारा, डैश खान वॉज फेमस शहनाई प्लेयर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आ जाएगा बिस्मिल्ला खान। इसकी स्पेलिंग अभी हम फिल करते हैं। फर्स्ट का आ जाएगा बिस्मिल्ला, ये रहा फर्स्ट हमारा। तो BISMILLAH, तो ये आ गया बिस्मिल्ला। सेकंड हम करते हैं, हमारा है फोर्थ है हमारा, फर्स्ट के बाद सीधा फोर्थ। Finally, Kezia realized that her father was quite caring. Fourth में आ जाएगा caring. तो चलिए fourth हम करते हैं। Fourth ही रहा हमारा CARING, caring आ गया इधर। इसी तरह sixth करते हैं। In the beginning, Kezia used to dash while talking to her father. Kezia मतलब क्या करती, जब भी अपने वो father से बात करती थी तो उसको लगता था कि उसके फादर स्ट्रिक्ट हैं, तो डर के मारे वो स्टैमर करती थी। इसका आंसर आ जाएगा सिक्स्थ का, आ जाएगा हमारा स्टैमर। तो सिक्स्थ हम फिल करते हैं, ये रहा हमारा सिक्स्थ, STAMMER, स्टैमर, ठीक है। सेवन्थ है, वन डे शी वॉज डैश होम ड्यू टू कोल्ड। सेवन्थ में आ जाएगा एट, क्या आ जाएगा एट, सेवन्थ में हम लिखते हैं, ये रहा दो बॉक्स गिवन है एट। एट्थ है हमारा नाइन्थ है हमारा ऑथर्स grandfather bought a baby monkey from a dash, ये हमारा ऑलरेडी हो रखा है टोंगा। तो डाउन, अब हमें डाउन की तरफ करने हैं, जो ऐसे डाउनवर्ड्स क्रॉसवर्ड्स हैं, ठीक है। तो सेकंड है हमारा, इन द विंड पोएम द पोएट सजेस्ट अस टू मेक द हार्ट, इसका आ जाएगा स्टीडफास्ट। तो इसको हम फिल करते हैं सेकंड का स्टीडफास्ट। तो यहाँ से डाउन आएगा ना, STEADFAST, ठीक है, स्पेलिंग ये हो गई ना ASTI, स्टीडफास्ट। तो आप इससे भी अगर आपको कंफर्म करना हो कि आपका ये सही है या नहीं, तो आपने अगर यहाँ पे स्ट्रीट फास्ट की आप स्पेलिंग लिखोगे तो फास्ट, स्ट्रीट फास्ट में लास्ट वर्ड टी है, तो आप देख सकते हैं कि टी टोंगा का भी इधर आ रखा है। और सेवन्थ में हमने क्या लिखा था, एट, तो इधर एट था हमारा, तो STEADFAST। इस तरह से आप रिकन्फर्म कर सकते हो कि आप एकदम ठीक है, आपका जो आंसर है वो एकदम ठीक है। थर्ड है हमारा, द विंड सिम्बोलाइजेस डैश इन द पोएम, तो इसका आ जाएगा हार्डशिप।
थर्ड का आ जाएगा हमारा, थर्ड ये रहा हमारा, तो इसका आ जाएगा हार्डशिप। इधर आपको HARDSHIPS, ठीक है। तो फोर्थ है हमारा बिस्मिल्ला खान वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न द हाइएस्ट डैश अवॉर्ड सिविलियन, तो इसका आ जाएगा सिविलियन। फोर्थ में हमें लिखना है सिविलियन, ये रहा CIVILIA ऑलरेडी है एन सिविलियन। फिफ्थ है हमारा टोटो वॉज डैश बट वेरी मिसचीवियस मंकी, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रिटी, कि वो सुंदर भी था प्रिटी भी था बट मिसचीवियस भी था, शैतानियाँ भी बहुत करता था। तो फिफ्थ का हमारा आ जाएगा प्रिटी, फिफ्थ कहाँ है ये रहा, हाँ एकदम लास्ट में। तो PRETTY, तो ये आपका आ जाएगा लास्ट है हमारा। ग्रैंडफादर डैश टोटो अलोंग इन द कैनवस बैक टू देहरादून, तो इसका आ जाएगा टुक। एट्थ का आ जाएगा टुक, तो एट्थ कहाँ है हमारा ये रहा TOO, एक ओ पहले से के टुक। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। तो चलिए इसके आंसर फिर से देख लेते हैं। एक्रोस, एक्रोस में मतलब जो सीधे ऐसे हैं, तो उसमें आ जाएगा फर्स्ट का आ जाएगा बिस्मिल्ला, फोर्थ का आ जाएगा केयरिंग, सिक्स्थ का आ जाएगा स्टेमर, सेवन्थ का आ जाएगा एट, नाइन्थ का आ जाएगा टोंगा। ऐसे ही जो डाउन है जो नीचे की तरफ है उसमें सेकेंड में आ जाएगा स्टीडफास्ट, थर्ड में आ जाएगा हार्डशिप, फोर्थ में आ जाएगा आपका सिविलियन, फिफ्थ में आ जाएगा प्रिटी, एट्थ में आ जाएगा टुक। तो स्टूडेंट्स आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हुई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप एक जगह, और इसका भी ये मैंने सीरियल वाइज ही लिखा है एकदम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बाकी मैंने ऊपर भी आपकी एक्सरसाइज करवा दी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करिएगा जितना हो सके, और चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको ये वर्कशीट मिलती रहे। तो चलिए ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, वर्कशीट 37 नाइन्थ क्लास की, जो कि है 29 सितंबर की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।